सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मुकेश और आज हम जा रहे हैं इंडिया गेट। Yes. और हमारे साथी हैं नितिन, इनको तो जानते होंगे आप, ये अब मेरे साथ ही रहने लग गए हैं। तो आज हम चलेंगे इंडिया गेट और नितिन भाई को भी घुमा ले आएंगे। चले फिर नितिन भाई, चलो चलो। फाइनली हमें मिल चुका है ऑटो और जमनोतपुर से ऑटो का किराया 120 रुपया। तो नितिन भाई कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है ना? चलो चले इंडिया गेट और दिखाते हैं आज का इंडिया गेट है। नितिन भाई एंजॉय, पूरा मजा लेंगे आज इंडिया गेट रहे हैं। दिल्ली में तो जाम लगते रहता है हमेशा ऐसे ही, देखो इतना जाम लगा है अभी। तो अंकल जी निकालेंगे शॉर्टकट और ये हम निकले शॉर्टकट। ये देखो भैया जाम जाम, दिल्ली में ट्रैफिक भी बहुत है। तो चल चले हम शहबाजियों में। अरे भाई दिल्ली की सड़क है, सामने दिख रहा होगा आपको इंडिया गेट, एक झलक देख लीजिए इसका। ये रहा इंडिया गेट का रास्ता और ये पहुंच चुके हैं हम इंडिया गेट। थोड़ा सा दिखेगा आपको इंडिया गेट दूर से। नितिन भाई पैसा दे दो आप, अगली बार पैसा हम दे देंगे, ठीक है? नितिन भाई हम इंडिया गेट पहुंच चुके हैं, फिर आज आपको घुमाएंगे इंडिया गेट, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम है आपका? Yes. कैसा लग रहा है फिर? बढ़िया लग रहा है। छुट्टी आज हमारी तो घूमने आते हैं, पर कुछ ऐसी तस्वीर बने इंडिया गेट के। आज इंडिया गेट हम फर्स्ट टाइम हमारा, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। थोड़ा सा नज़ारा दिखाएंगे आपको इंडिया गेट का। और ये रहा इंडिया गेट सामने। इंडिया गेट का देखने का मन था, आज देख लिया हमने है। इंडिया गेट इस तरह दिखता है कुछ, हमारा फर्स्ट टाइम है इंडिया गेट। तो ये रहा इंडिया गेट सामने, हम इंडिया गेट पहुंच चुके हैं और ये पीछे रहा हमारा इंडिया गेट। और नितिन भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम है ना आपका? मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है देख के, मज़ा आ रहा है सच में। सच में ऊपर चोटी में चढ़ा जाए ना, DSLR से खींचा जाए ना तो बहुत मस्त लगेगा। चढ़ जाओ क्या? चढ़ जाओ भाई, चढ़ जाओ। यार कहाँ से अभी रास्ता? वो देख सामने पहुंची, जा नहीं सकता ना यहाँ से। बस यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा बना दिया इंडिया गेट। पहले से जब फर्स्ट टाइम आए थे तो उतना कुछ था नहीं, तो आज हम रात को भी यहीं रुकेंगे इंडिया गेट पे और देखेंगे रात का नज़ारा कैसा दिखता है इंडिया गेट, ठीक है नितिन भाई? आज रात को देखेंगे, रात को कैसा लगता है इंडिया गेट। अभी तो हमने दिन में देखा है बस, तो समथिंग हमें वेट करना पड़ेगा 6 बजे तक। 6 बजे तक वेट करेंगे और उसके बाद भी देखेंगे इंडिया गेट। तब तक हम कुछ और चीज़ देखते हैं इंडिया गेट के अंदर, आ जाए। और यहाँ पर बना दिया वाटर पार्क, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नितिन है कैसा लग रहा था यहाँ पे? नहाएगा? नहा लेगा क्या? ये देखो मस्त लग रही है, मजा आ रहा है बहुत। मस्त है। अब आगे चलते रहते हैं, खाते रहते हैं। अरे हमारे वीर सैनिक सुभाष चंद्र बोस जी की आप मूर्ति देख सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पर सनराइज देख सकते हो सामने, कितना प्यारा लग रहा है। और इसके सामने मैं आपको दिखाऊंगा ब्यूटीफुल सा झरना। ये रहा इंडिया गेट का झरना, प्यारा सा। ओ माय गॉड, इसके चारों तरफ पानी बह रहा है देखो। पीछे देखो जरा क्या दिख रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको देख के? मस्त लग रहा है भाई। ऐसा कभी देखा तुमने? देखा था। दिन भाई और मैं वेट कर रहे हैं रात के अंधेरे का, क्योंकि इंडिया गेट रात के टाइम बहुत अच्छा लगता है, तो इसी का वेट करेंगे अब। हमें समथिंग 2 घंटा हो चुका है वेट करते करते, तो देखते हैं अभी शाम को कैसा लगता है इंडिया गेट है। और दिन भाई कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाह रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ घूम के। और क्या कहना चाहोगे घर वालों को, उत्तराखंड वालों को? कहेंगे आज शाम को हम इंडिया गेट घूमने गए थे, मज़ा आया वहाँ घूम। चलो ठीक है फिर। अब जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे अब यहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है। हमारे पीछे देख सकते हो बाय साइड, ये पूरा भीड़ी भीड़ी। और हाँ इंडिया गेट पीछे, अब थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा इस पर कुछ लाइटिंग वाइटिंग,
काफ़ी मज़ेदार देखने को मिलेगा। फाइनली 2 घंटे बाद वेट करने के बाद अब थोड़ा सा इंडिया गेट का नज़ारा इस तरह दिख रहा है। हमारे पीछे से लाइटिंग पूरी हल्की हल्की दिखने लग गई है ना नितिन। कितना घंटा वेट किया फिर? 2 घंटा? 2 घंटा तो किया। चलो आप दिखाते हैं आए को सीन। ये है सबसे बढ़िया लाइटिंग, बिल्कुल झरना छोटा सा। ये कितना अच्छा दिख रहा है लाइट में, मज़ा आ गया। ये रहा हमारे सामने इंडिया गेट। अंधेरे में इतना अच्छा दिखता है इंडिया गेट। शाम हो चुकी है और ये शाम इंडिया गेट के नाम, और इस तरह दिखता है रात को इंडिया गेट। और इसके चारों तरफ से लाइटिंग देख सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे। और यहाँ पर नितिन भाई हमारे एकदम फोटो वोटो लेने में है। जी सामने है राष्ट्रपति भवन, काफ़ी दूर है यहाँ से दिखेगा, लेकिन जितना है उतना दिखा दिया आपको। इंडिया गेट हमने देख लिया पूरा, कंप्लीट हो चुका हमारा इंडिया गेट। और इसके बाद हम चलेंगे आगे कुछ देखने के लिए, कुछ देखते हैं आगे का नज़ारा कुछ। भाई देख लिया इंडिया गेट? हाँ नितिन कहाँ है, देख लिया इंडिया गेट? मज़ा आया ना? मज़ा आ गया फुल। लास्ट टाइम इंडिया गेट हमारा इस तरह दिखता है इंडिया गेट लास्ट टाइम। रहे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, काफ़ी अच्छी सजा रखी है और काफ़ी सुंदर लग रही है यहाँ पे। और हम आगे जाएंगे और आगे देखेंगे आप शहीद समारोह। डिजिटल श्रद्धांजलि हमने देनी है आज, देखते हैं खुला है नहीं खुला। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की एक सुंदर सी तस्वीर देख सकते हो आप इस वीडियो से। यहाँ पर डिजिटल एकदम मस्त तरीके से बना रखे हैं। और यहाँ पर कुछ फोटोज़ भी हैं नेहरू जी की। और ये यहाँ पर है, और ये कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और ये रहा सामने फोटो। एक छोटी सी क्लिप देख सकते हो यहाँ पर इंडिया गेट का, छोटी सी क्लिप। कितना मस्त दिख रहा है इंडिया गेट दूर से। और ये कितना मस्त है सजा का, राष्ट्रीय समर स्मारक पार्क। और यहाँ से एंट्री होगी अब हमारे। यहाँ पे आप वीर शहीद सैनिकों को डिजिटल श्रद्धांजलि दे सकते हो इस वीडियो से के माध्यम से। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप यहाँ पर हर सैनिक को डिजिटल श्रद्धांजलि दे सकते हो। और यहाँ पे प्यारा सा वाटर पार्क है, इस पर भी सजा रखे यहाँ पे पूरा। और यहाँ पे ना एक्चुअली क्या है, यहाँ से आप एग्जिट हो सकते हो सामने से। और जितने भी आपको लाइटिंग दिख रही है चारों तरफ लाइटिंग जो भी दिख रहा है आपको, ये हमारे जो वीर सैनिक हैं उनके नाम पे एक एक, मतलब हर उनके शहीदों के नाम पर एक नाम लिखा गया है यहाँ पे। पहले सब इंडिया गेट पे था, तो अब ये मोदी जी ने हमारे यहाँ पे इनके एक डिजिटल श्रद्धांजलि बना दी है यहाँ पे। और मतलब हर, मतलब यहाँ पर सारे रेजिमेंट जो जो हमारे सैनिक शहीद हुए उन सब के नाम लिखे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे सारे नाम पे यहाँ पे लिखे हैं सब कुछ। अमर ज्योति जवान ये यहाँ पे बना दी गई है। और यहाँ पे नौसेना की अब ड्यूटी लग चुकी है, और यहाँ पे हर साल अलग अलग रेजिमेंट के मतलब सैनिक जो भी है वहाँ पे आते हैं। और ये प्यारा सा आप देख सकते हो आप। नितिन भाई कैसा लग रहा है, सुकून मिला आपको? मिला ना। अब आपको सामने दिखाएंगे हमारे अमर ज्योति जवान के आसपास क्या क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी है, क्या क्या चीज़ बनाई गई है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। ये 1971 का युद्ध है पाकिस्तान और भारत का, तो आप देख सकते हो इस वीडियो के उसमें। ये रहा पूरा, और ये रहा पूरा लिखा हुआ। यह 1971 की गंगा सागर की लड़ाई, 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान उस समय लड़ा गया है। और आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ सकते हैं।
वहाँ आपके फोटो खींच के जहाँ पर मेंशन कर दूँगा। एक मिनट नहीं आ रही यार। और तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया है इस ये है तीसरा युद्ध है ये लड़ा गया है 1947 से 1948 के बीच। ये है सत्यमेव जयते। ये है यहाँ पे जय जवान ज्योति जो पहले इंडिया गेट के सामने जलाई जाती थी। अब इसको मोदी जी ने इसको इसके एक शहीद समारोह पार्क बना के अलग से अलग जगह बना दिया गया है। और ये कुछ तस्वीर यहाँ पर देख सकते हो और कुछ वीडियो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं आप। अमर ज्योति जवान के यहाँ पे हमेशा एक हमारे सोल्जर के सिपाही की यहाँ पर एक ड्यूटी लगी जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। ये देखो इंडिया गेट है कितना अच्छा बना दिया रास्ते जाने का। ये है एग्जिट रास्ता काफ़ी अच्छा कुछ बना दिया यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग जाने के लिए देख सकते हो आप। टिकट हमने देख लिया। इसी के साथ अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये रहा लास्ट टाइम हमारा इंडिया गेट। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलो नितिन भाई चलते हैं। बाय बाय।